हम पूछे रेडियो में कौन बोल रहा है, क्या आ रहा है, एंड हु इज इट द, हु इज इट, यहाँ द भी है, हु इज इट द फोटो, ये फोटो में कौन है, किसका फोटो है ये, फोटो फर्स्ट में ऑन आना चाहिए। बोलिए और बोलिए, ऑन रेडियो होना चाहिए, ऑन द रेडियो होना चाहिए, और बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो आपका बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब है, इन द फोटो होता है, बिल्कुल सही है, ऑन द रेडियो होता है, ऑन टीवी होता है, ऑन द टीवी नहीं, ऑन टीवी, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है, रेडियो में ये कौन है, टीवी में कौन बोल रहा है, टीवी में कौन आ रहा है, ऑन टीवी होता है, ऑन द रेडियो होता है, लेकिन इन द फोटो होता है, नहीं आ सकता, तभी तो कह रहा हूँ कि टी द नहीं है। शुड यू प्रोसीड नाउ, He provided the blind food. He provided food the blind. He provided the blind food. He provided food the blind. तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो प्रोवाइड वर्ब है ना, इसका बहुत अजीब प्रयोग है। यू प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, अगर समबडी पहले दिया हुआ तो इसके साथ विद आता है, और अगर आपने प्रोवाइड के साथ में समथिंग पहले दिया है तो इसके साथ फॉर आता है। तो डिपेंड करता है आपने क्या लिख रहा है, आप ये समझ लेना एस बी का मतलब क्या, एस टी एच का मतलब क्या, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग होता है, लेकिन प्रोवाइड समथिंग फॉर समबडी होता है। समबडी पहले दिया हुआ तो विद आएगा, और समथिंग पहले दिया हुआ तो फॉर आएगा। तो ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड, द ब्लाइंड समबडी है इसलिए विद आएगा, ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड विद फूड, ही प्रोवाइडेड फूड फॉर द ब्लाइंड, He provided food for the blind. Should you proceed? Yes, sir. Next, देखिए आप. The manager presented Pratyush a gold watch. The manager presented a gold watch Pratyush. The manager presented Pratyush a gold watch. The manager presented a gold watch Pratyush. Have you written? First में क्या यूज करेंगे अपन बताइए आप, प्रेजेंट somebody विद समथिंग, और जब आप इसमें समथिंग पहले लिखते हैं इसमें हम टू का प्रयोग करते हैं, दिस इज द डिफरेंस, प्रोवाइड और प्रेजेंट में डिफरेंस आप देख लीजिए, यू प्रेजेंट समथिंग टू समबडी और प्रोवाइड समथिंग फॉर समबडी, प्रोवाइड के साथ फॉर आता है और प्रेजेंट के साथ क्या आता है, टू, हियर लाइज द डिफरेंस, गॉट द पॉइंट। तो देखिए यहां पर प्रेजेंट के साथ प्रत्युष विद ए गोल्ड वॉच एंड प्रेजेंटेड ए गोल्ड वॉच टू प्रत्युष, should you press it? Yes, next, the school supplied the visitors tea,
hip supplies a first class after sales service customers. He supplies a first class after sales service customers. The school supplied the visitors tea. He supplies a first class after sales service customers. देखो सप्लाई के साथ भी हम वैसा ही यूज करते हैं सप्लाई समबडी विद समथिंग एंड यू सप्लाई समथिंग बस यहां आपके पास में चॉइस होती है टू या फोर दोनों आता है द स्कूल सप्लाइड द विजिटर्स विद टी एंड टू या फोर दोनों में से जो भी आप करना चाहें ही सप्लाइज अ फर्स्ट क्लास सेल्स सर्विस आफ्टर सेल्स सर्विस टू कस्टमर्स और फॉर कस्टमर्स तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि प्रोवाइड के बाद में विद और फॉर आता है प्रेजेंट के बाद में विद और टू आता है और सप्लाई के साथ में विद और टू और फॉर दोनों आते हैं इज दैट राइट शुड वी प्रोसीड नाउ चलिए नेक्स्ट लिखिए इस वर्ड की बात करते हैं यू मस्ट Pay tax. You must pay tax. You should pay the meal. You must pay tax. You should pay the meal. First में क्या use करेंगे अपन? क्या use करना चाहिए? हाँ? देखिए पे टैक्स पे रेंट पे फेयर पे द बिल एटसेट्रा इनमें कुछ नहीं आता यू पे टैक्स यू पे रेंट यू पे फेयर यू पे द बिल लेकिन आप किसी चीज के लिए पे कर रहे हैं तो फिर फॉर आए आपने मील खाया मील के लिए पे कर रहे हैं तो फॉर आए यू पे टैक्स होता है यू पे रेंट होता है यू पे फेयर होता है पे द बिल होता है ठीक है बट पे फॉर समथिंग ओके प्रोसीड करें चलिए नेक्स्ट वर्ब अपन टेकअप कर रहे हैं रिमाइंड शी रिमाइंडेड electricity bill your forehead reminds me she reminded me the electricity bill your forehead reminds me My brother. और सेकंड में ऑन माय ब्रदर का क्या मतलब शुड वी प्रोसीड चलो देखो एक्चुअली क्या है She reminded me the electricity bill and your forehead reminds me my brother. इनमें remind का meaning अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा preposition क्या होना चाहिए क्योंकि दोनों sentence में remind का अलग अलग meaning. एक तो remind का meaning होता है याद दिलाना उसने मुझे इस चीज़ की याद दिलाई कि ये काम करना है ठीक है और एक होता है कि किसी को देख कर आपको खुद को याद आ जाती है वो involuntary होता है
जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें देख करके मुझे अपने भाई या बहन की याद आ गई, तुम्हें देख करके मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की याद आ गई, तो वो कैसा होता है? इनवॉलंटरी एक्शन होता है। तो किसी को देख करके किसी और की याद आना, एक मीनिंग रिमाइंड का, और रिमाइंड का दूसरा मीनिंग है आप किसी को जानबूझ करके डेलिबरेट एफर्ट से याद दिलाते हैं। ठीक है, तो रिमाइंड के दो मीनिंग हो गए। एक तो रिमाइंड का मीनिंग क्या होता है? याद दिलाना। और एक रिमाइंड का मीनिंग होता है याद आना। याद आना तो इनवॉलंटरी एक्शन हो गया। ठीक है, और खास तौर पर याद आना कैसे? किसी को देखकर। जैसे मैंने उसको देखा तो मुझे उसको देखते मेरे भाई की याद आ गई, क्योंकि उसके जैसा मेरा भाई भी दिखता है, उसके फीचर्स मेरे भाई से रिजेंबल करते हैं। तो वैसे जब याद दिलाना सेंस होता है तो हम अबाउट यूज करते हैं। शी रिमाइंडेड मी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसने मुझे बिजली के बिल की याद दिलाई, भाई बिजली का बिल भी पे करना है। एंड योर फॉरहेड रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर। और तुम्हारा ललाट मुझे मेरे भाई की याद दिला रहा है। ठीक है, तुम्हारे ललाट को देखते हैं, तुम्हारे फॉरहेड को देखते हैं, मुझे मेरा भाई याद आ गया। Have you got the point? तो जब ये इनवॉलंटरी होता है, याद आने वाला सेंस है तो ऑफ यूज करते हैं, और याद दिलाने वाला सेंस है तो उसमें हम अबाउट यूज करते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना रिमाइंड का दोनों सेंस में? शुड वी प्रोसीड नाउ? चलिए नेक्स्ट। स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स द कार्स। If you get the ball, throw it to me. He shouted from the other side of the street. She shouted, her husband, stop throwing stones, the cars, if you get the ball, throw it me. He shouted me from the other side of the street. She shouted her husband in anger. First mein kya jayega? सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में? अच्छा कोई और बताइए? नहीं, चलो देखो, एक तो थ्रो होता है, एक पॉइंट होता है, एक शाउट होता है और एक एम होता है। इन चारों शब्दों का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में हो तो आप टू यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंस में हो तो आप एट यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, आप खेल रहे हैं, आपने किसी की तरह बॉल फेंकी तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। खेलते समय जो बॉल को पास कर रहे हैं आप तो पॉजिटिव है, लेकिन आप किसी को मार रहे हैं, मारने के लिए थ्रो किया तो क्या होगा? वो नेगेटिव। आप गली की दूसरी तरफ हैं या कहीं दूरी पर हैं, आप दूरी से तेज आवाज में किसी को पुकार रहे हैं तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि दूरी है तो तेज आवाज में बोलना ही पड़ेगा आपको। लेकिन आप जब गुस्से में किसी के ऊपर बोलते हैं तेज तेज, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है, आपने किसी को एम किया, किसी जैसे आपके तक मुझे किसी को पहुंचाना है, मैंने इंसान निशान लगा करके आपकी तरफ फेंका तो पॉजिटिव सेंस है। और मैं आपकी तरफ एम कर रहा हूँ, दैट इज टू, मैंने गन ली और गन को आपकी तरफ तान दिया, तो पॉजिटिव सेंस है नेगेटिव सेंस है? नेगेटिव सेंस। ठीक है,
तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव को पहचानेंगे. जब पॉजिटिव सेंस है तो हम टू यूज करेंगे और नेगेटिव सेंस है तो हम एट यूज करेंगे. नेगेटिव और पॉजिटिव का पता आपको सेंटेंस पढ़ने पर ही चलेगा, राइट. जैसे आप इन सेंटेंसेस को देखें तो आप पहचान सकते हैं. स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स द कार्स एट द कार्स होगा, नेगेटिव है. कार पर पत्थर फेंकना बंद करो तुम्हें, ठीक है. इसी तरह से जैसे मैं कहूँ स्टॉप शाउटिंग एट मी, बंद करो मुझ पर ये चिल्लाना, ठीक है. स्टॉप शाउटिंग टू मी तो कोई कहेगा नहीं, एट मी, ठीक है. इफ यू गेट द बॉल, अगर तुम्हें बॉल मिल जाए, थ्रो इट टू मी, तो तुम मेरी तरफ फेंकना, ठीक है. जैसे गेम्स में कहना इफ यू गेट द बॉल, अगर बॉल मिल जाए तो मेरी तरफ फेंकना, तो नेगेटिव सेंस हो ही नहीं सकता. मैं खुद कह रहा हूँ मेरी तरफ फेंकना, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं. नेक्स्ट देखिए, ही शाउटेड मी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, गली की दूसरी तरफ खड़ा था और इसलिए मुझे तेज आवाज में बोलकर पुकारता, तो टू आ जाए. एंड नेक्स्ट देखिए आप, शी शाउटेड हर हस्बैंड इन एंगर, वो गुस्से में अपने पति पर चिल्लाई, एट. शुड यू प्रोसीड नाउ? तो इन चारों शब्दों को ध्यान रखना है. इन चारों शब्दों के साथ ऐसा होता है, थ्रो, पॉइंट, शाउट और एम. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए आप. What suicides are you? What color are her eyes? He is right height to be a policeman. He is the same weight as me. He is the same. तो बताइए क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे. देखिए इसको सेंटेंस को पढ़िए आप. What shoe size are you? आपके जूते का साइज क्या है? What shoe size are you? ठीक है. What color are her eyes? उसके आंखों का क्या रंग है? ठीक है. नेक्स्ट देखिए आप. He is the right height to be a policeman. उसकी सही ऊंचाई पुलिसमैन बनने के, ठीक है. और ही इज़ द सेम वेट एज मी, उसका उतना ही वजन है जितना कि मेरा है. एंड ही इज़ द सेम एज एज मी, ठीक है, उसका उतना ही वजन है जितना कि मेरा है. इसी तरह से जैसे मैं कहूँ हिज हेड इज अ फनी शेप, उसके सिर का अजीब सा आकार है. His head is a funny shape. तो बताइए क्या यूज करेंगे अपन प्रीपोजिशन. What shoe size are you? आपके जूते का साइज क्या है? देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या यूज करें, का के लिए. जूते का साइज क्या है, ठीक है. अगला देखिए, what color are her eyes? उसकी आंखों का रंग क्या है? आंखों का रंग doesn't that? Next देखिए, he is the right height. उसकी वह सही ऊंचाई का है, जितनी ऊंचाई चाहिए होती है पुलिस वाले बनने, पुलिस मैन बनने के लिए, उतनी हाइट का है. देखिए, ही इज द सेम वेट, वह उसी वजन का है. एंड ही इज द सेम एज, वही उसी उम्र का है. फनी शेप, उसके सिर का आकार अजीब है. तो का के लिए अपन को प्रीपोजिशन यूज करना होता है. और इसमें हम गलती क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या लगाना चाहिए हमें ऊपर वालों में नहीं आएगा और नीचे वालों में. एक्चुअली देखिए, जो जन कॉमन इंडियन एरर है ना, वो का के लिए ऑफ लगाने की होती है. वो ऑफ लगा देते. आप ऑफ लगाइए. देखिए, मैं अगर इसमें ऑफ यूज कर दूं तो आपको सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे लगेंगे. आप देखिए, आप खुद पढ़ करके देखिए आपको कैसा लगता है. आप देखिए, अब आप पहचान नहीं सकते कि सेंटेंसेस सही है कि गलत है.
जब ब्लैंक दे रहा हूँ तब तो फिर भी सोचना पड़ रहा है आपको, लेकिन कॉमन एरर में सेंटेंस दिया गया और मैंने ऑलरेडी ऑफ फिल्ड अप दिया है तो आपको ये लग ही नहीं सकता कि ऑफ गलत है, क्योंकि वो का के अर्थ में हिंदी में परफेक्ट बैठता है। आप देखिए, आप ऑफ व्हाट शू साइज आर यू, आपके जूते का साइज क्या है, अच्छा लग रहा है ना। ऑफ व्हाट कलर आर हर आइज, ही इज ऑफ द राइट हाइट टू बी ए पुलिसमैन, ही इज ऑफ द सेम एज एज मी, ही इज ऑफ द सेम हाइट एज मी, हिज हेड इज ऑफ ए फनी शेप, इज दैट राइट। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में साइज, एज, शेप, कलर, हाइट, वेट इन सब की बात हो और उसमें बी वर्ब दी हुई हो, इज एम आर वॉज वर, ठीक है, बी वर्ब दी हुई हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। बी वर्ब के साथ साइज, एज, वेट, हाइट, शेप एटसेट्रा दी हुए हैं तो हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते और सब में क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो आप सब में क्रॉस यूज कीजिए और फिर एक नीचे लाइन लिख लीजिए आप, लिखिए बी वर्ब के साथ साइज, एज, शेप, हाइट, वेट, बी वर्ब के साथ साइज, एज, शेप, हाइट, वेट, कलर एटसेट्रा दिया हो, एटसेट्रा दिया हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, इज दैट राइट। शुड वी प्रोसीड नाउ, चलो नेक्स्ट देखिए बाप, He is popular his friends. He is popular his friends. वह अपने दोस्तों में बहुत पॉपुलर है, वह अपने दोस्तों में बहुत पॉपुलर है। क्या यूज करना चाहिए, पॉपुलर इन हिज फ्रेंड्स होता है, लेकिन इन हिज फ्रेंड्स हमें अच्छा लगता है लेकिन इन नहीं आता, यहां पर क्या यूज करना है आपको, विद, पॉपुलर विद होता है, ठीक है। आजकल वैसे पॉपुलर अमंग भी होने लगा है, लेकिन अभी फिलहाल रिसेंटली किसी आरपीएससी के कंपटीशन में पूछा हुआ है तो उन्होंने अमंग को सही नहीं माना, किसको माना, विद को, हालांकि ये रिकॉर्डेड है कि पॉपुलर अमंग भी होता है, गॉट द पॉइंट। लेकिन अपने को ट्रेडिशन को फॉलो करना, पॉपुलर के साथ क्या यूज करना चाहिए अपने को, विद। वो नहीं होता बेटा, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, शुड वी प्रोसीड नाउ। The place is crowded. People. The place is crowded people. वो जगह भीड़ से भरी हुई है, ठीक है। तो crowded के साथ में हम with use करते हैं ना, crowded with people. Crowded with people. Should we proceed? Proceed करें? He waited. He swam. He waded the river. He swam the river. Wading का मतलब होता है किसी पानी में चल करके पार करना, wading का ना पानी में चलकर पार करना, और swim का मतलब तो जानते हैं तैरना, तो wading का मतलब थोड़ा सा मतलब चल करके पानी को पार करना, wading कहलाता है, ठीक है। तो wading के बाद हम जो preposition यूज करते हैं फिक्स है, through आता है, you waded through the,
और स्विम के साथ प्रीपोजिशन जो आता है वो आता है अक्रॉस, स्विम अक्रॉस होता है, वेड थ्रू होता है और स्विम अक्रॉस होता है। वो करेंगे हम, देखो दिस डिजीज हैज नाउ स्प्रेड द वर्ल्ड, दिस डिजीज हैज नाउ स्प्रेड has now spread right the world। देखिए दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है, हम ये कहना चाहते हैं कि बीमारी जो है पूरे विश्व में अब फैल चुकी है, ये बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बता रहे हो। अगर ऑल दिया हुआ है तो ऑल ओवर होगा, और राइट दिया हुआ है तो क्या आएगा? राइट के साथ अक्रॉस आएगा, मीनिंग सेम है लेकिन राइट अक्रॉस होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। शुड यू प्रोसीड? ओके, राइट के साथ अक्रॉस आएगा, अगर राइट दिया हुआ तो अक्रॉस यूज करेंगे और ऑल दिया हुआ तो ओवर यूज करेंगे। शुड यू प्रोसीड नाउ? चलिए नेक्स्ट, द डॉक्टर ऑपरेटेड her yesterday, the doctor operated her yesterday, doctor ne kal uska operation kiya tha, the doctor operated her yesterday, the doctor operated her yesterday, theek hai, operated on hota hai। वैसे अपने को अच्छा लगता है कि कुछ नहीं यूज करो तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऑपरेटेड ऑन होता है, ऑपरेटेड ऑन समबडी। हैव यू गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, ही इज लैम लेफ्ट लेग, ही इज लैम लेफ्ट लेग, वो बाएं पैर से विकलांग है, ही इज लैम लेफ्ट लेग, वो बाएं पैर से विकलांग है, तो लैम इन द लेफ्ट लेग होता है, his lamb in the left leg, ठीक है, ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट, she is blind one eye, she is blind one eye, ठीक है, ब्लाइंड के साथ भी एक आंख से अंधा इन आता है, ब्लाइंड इन वन आई, तो देखिए लैम इन द लेफ्ट लेग, ब्लाइंड इन वन आई। प्रोसीड करें, नेक्स्ट, ही इज डेफ हिज सन्स कंप्लेंट्स, उसके बेटे की शिकायतों के प्रति वह ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करता है, तो यहां डेफ के साथ क्या यूज करेंगे अपन? टू, डेफ टू का मतलब ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, ही इज डेफ टू हिज सन्स कंप्लेंट्स। शुड यू प्रोसीड? द कमेटी approved the project, I don't approve laziness, I don't approve laziness, the committee approved the project,
I don't approve laziness. देखो अप्रूव के दो मीनिंग होते हैं. एक अप्रूव का मतलब होता है एक्सेप्ट और एक अप्रूव का मीनिंग होता है थिंक इट राइट, उसे सही समझना. तो जब एक्सेप्ट इसका मीनिंग होता है तो कुछ नहीं आता, लेकिन जब इसका मीनिंग होता है किसी को सही समझना तो उसके साथ ऑफ यूज करते हैं. तो द कमेटी अप्रूव द प्रोजेक्ट, इसका माने द कमेटी एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट, कमेटी ने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया. एंड आई डोंट अप्रूव ऑफ लेजीनेस का मतलब क्या होगा कि मुझे आलस से अच्छा नहीं लगता. मैं नहीं मानता कि आलस से अच्छी चीज़ है, आलस अच्छी चीज़ नहीं है. Have you got the point? तो अप्रूव के दोनों मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है. शुड वी प्रोसीड? चलो, बहुत कॉमन इंडियन एरर है. एक देखो इस तरह से बोलने की अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बेटर, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बेटर. ऐसा आप भी सुना होगा, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बेटर बोलते हैं ना ऐसे. अकॉर्डिंग टू मी तो ऐसा होगा. अब इसमें एक खास गलती है, बताइए क्या गलती है. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बेटर, मेरे अनुसार तो ये सही, मेरे हिसाब से तो ये वाली बात सही है. तो क्या गलती है इस सेंटेंस में? हिम आना चाहिए. देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मी है ना, मी और अस, अकॉर्ड वर्ड का यूज करते हैं अथॉरिटी के लिए. और हम अपने आप को कहेंगे कि मेरे अनुसार, तो अथॉरिटी अपन खुद अपने आप को अथॉरिटी मान रहे हैं. ठीक है, तो ये कार्टसी की बात नहीं है, ये तो कार्टसी नहीं है ना कि आप अपने आप को अथॉरिटी मान के कह रहे हैं. तो यू नेवर अकॉर्ड टू योर सेल्फ, आप अपने लिए कभी भी अकॉर्डिंग का प्रयोग नहीं कर. आप ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, किसी को भी अकॉर्ड कर सकते हैं. आपको खुद को छोड़ कर आप खुद के लिए कभी भी अकॉर्ड वर्ड यूज नहीं कर रहे. Have you got the point? हाँ, अगर आपको कहना कि मेरे अनुसार ये अच्छा है तो फिर आप अकॉर्डिंग टू मी के बजाय क्या कहेंगे? इन माई ओपिनियन. आप उसकी जगह क्या यूज करें? इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से ये सही. शुड यू प्रोसीड? प्रोसीड करें अपन. नेक्स्ट इसमें यू मस्ट कंप्लाई माई ऑर्डर्स, यू मस्ट कंप्लाई माई ऑर्डर्स. यू मस्ट कंप्लाई माई ऑर्डर्स. कंप्लाई के साथ हम प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स है, विद यूज करते हैं. यू मस्ट कंप्लाई विद माई ऑर्डर्स, आपको मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है. नेक्स्ट देखिए आप, ही हैज बीन कन्फाइंड बेड, ही हैज बीन कन्फाइंड बेड, वो बिस्तर तक ही सीमित है, बिस्तर पर लेटा रहता बेचारा. कन्फाइंड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं दैट इज टू, ही हैज बीन कन्फाइंड टू बेड. कंप्लाई विद होता है, कन्फाइंड टू होता है फिक्स्ड. कैसे? हाँ बिल्कुल चेंज हो सकता है, अपन खुद ही नहीं चेंज कर रहे हैं क्या? हम खुद चेंज कर रहे हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया अप्रूव के बाद में क्रॉस भी आ गया और ऑफ भी आ गया. अभी खुद ने देखा कि हियर के बाद में ऑफ भी आता है, अबाउट भी आता है, फ्रॉम भी आता है. तो जैसे ही चेंज मीनिंग चेंज होता है प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो अपन खुद कर चुके हैं ये बात. शुड वी प्रोसीड ना? तो देखिए कंप्लाई के साथ विद है, कन्फाइन के साथ टू का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट देखिए यहाँ, ही डिडंट आंसर answer my question. It's no answer my question.
is no answer my question. He didn't reply my letter. It's no reply my letter. Use kijiye. First or second mein to? ठीक है. अच्छा और बताइए. देखो क्या है आंसर अगर वर्ब है आंसर वर्ड अगर वर्ब है तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है देखिए पहले में आंसर वर्ब है और इसलिए कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा ही डिडंट आंसर माय क्वेश्चन उसने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया ओके और आंसर अगर नाउन है देखिए यहां नाउन है ना इट्स नो आंसर तो ना आंसर नाउन है तो कल अपन ने किया था कल अपन ने ये क्वेश्चन किया था आंसर रिप्लाई सॉल्यूशन की चार शब्द मैंने बताए थे ये जब नाउन है तो इनके बाद में टू आता है इट्स नो आंसर टू माय क्वेश्चन ये नहीं मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है राइट रिप्लाई जब वर्ब है तब भी प्रीपोजिशन आता है और रिप्लाई जब नाउन है तब भी प्रीपोजिशन आता है रिप्लाई के साथ आप हमेशा टू यूज करते हैं आंसर और रिप्लाई में खास फर्क क्या है पता है आपको रिप्लाई अगर वर्ब है या रिप्लाई अगर नाउन है तो दोनों ही कंडीशंस में टू आता है आंसर अगर वर्ब है तो क्रॉस आता है और आंसर अगर नाउन है तो इसके बाद भी टू आता है तो आंसर का वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता जबकि रिप्लाई के बाद हमेशा टू आता है ठीक है ना यही खास बात ध्यान रखना रिप्लाई के बाद टू आता है और आंसर के बाद हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते Should we press it? कौन से वाला बेटा ठीक है टू आएगा नाउन है तो टू आएगा वर्ब है तो नहीं आएगा एक देखिए स्टूडेंट्स कैन बी एक्सपेल्ड For refusing to conform school rules, students can be expelled for refusing to conform school rules. Expelled करना निष्कासित करना विद्यार्थी को निष्कासित किया जा सकता है यदि स्कूल के नियमों को वो फॉलो करने से मना करते हैं तो कन्फर्म करना फॉलो करना अगर वो स्कूल के नियमों का फॉलो नहीं करते तो उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है ठीक है कन्फर्म के साथ क्या यूज करेंगे अपन टू कन्फर्म टू स्कूल रूल्स ठीक है कन्फर्म टू स्कूल रूल्स शुड वी प्रोसीड चलिए नेक्स्ट देखिए He is clever doing it. He is clever. Clever के साथ fixed preposition है हम at use करते हैं He is clever at doing it. Okay? चल next देखिए She resembles her mother. She resembles her mother. उसका चेहरा अपनी माँ से मिलता जुलता है Resemble के बाद कोई preposition नहीं आता She resembles her mother. ठीक है वो अपनी माँ से मिलती जुलती
नेक्स्ट, दिस कार डज 18 किलोमीटर्स द लीटर, ये कार एक लीटर में 18 किलोमीटर चलती है. दिस कार डज 18 किलोमीटर्स द लीटर, ये कार एक लीटर में 18 किलोमीटर चलती है. राइट, तो दिस कार डज 18 किलोमीटर्स टू द लीटर होता है. दिस कार डज 18 किलोमीटर्स टू द लीटर, एक लीटर में 18 किलोमीटर चलती है. नेक्स्ट देखिए, द थीफ वॉज रनिंग द पुलिस स्टेशन. The wounded man was taken hospital. इन दोनों सेंटेंसेस में आपको यूज करना है टू और टवर्ड्स. टू आएगा या टवर्ड्स आएगा? एक टू है और एक टवर्ड्स है. एक टू और दूसरा टवर्ड्स. फर्स्ट वाले में टू आएगा और दूसरे वाले में टवर्ड्स. क्या फर्क होता बेटा टू और टवर्ड्स में? चोर पुलिस स्टेशन की तरफ भागा या पुलिस स्टेशन को भाग के गया? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ श्योर. देखो ओके, देखो टू डेस्टिनेशन बताता है और टवर्ड जो है वो डायरेक्शन बताता है. दिस इज द डिफरेंस. आप जो जगह जा रहे हैं वो टारगेट आपका जाने की जगह, गंतव्य स्थल अगर दिया हुआ है तो आप टू लिखिए. और अगर केवल आप ये बता रहे हैं उस दिशा में जा रहा था, तब आप क्या यूज करेंगे? टवर्ड्स. तो घायल को कहां लेकर के गए अपन? हॉस्पिटल. घायल का डेस्टिनेशन तो हॉस्पिटल ही होगा, नहीं है? लेकिन पुलिस और चोर जो है वो कभी भी पुलिस स्टेशन उसका डेस्टिनेशन नहीं हो सकता कि वो खुद ही दौड़ करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाए. बस ये जरूर हो सकता है कि भाग करके किधर गया, थाने की तरफ भागा था वो. हैव यू गॉट द पॉइंट? तो हम डायरेक्शन बता रहे, द थीफ वॉज रनिंग टवर्ड्स द पुलिस स्टेशन और द वाउंडेड मैन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल. डिफरेंस समझ रहे हैं ना? टवर्ड्स डायरेक्शन बताता है और टू डेस्टिनेशन बताता है. ठीक है, नेक्स्ट. शी स्माइल्ड मी, शी स्माइल्ड मी. ठीक है, देखिए वैसे तो एट का प्रयोग अपन ने किया था ना अभी, किस किस के से? चार शब्द मैंने बताए थे, थ्रो, शाउट, एम, पॉइंट. उनके साथ एट का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है और टू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है. ये स्माइल जो है इसके साथ हमेशा ही एट आता है और ये पॉजिटिव सेंस में होता है क्योंकि स्माइल कभी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, शुड वी प्रोसीड? नेक्स्ट देखिए, ही स्पीक्स एन एक्सपर्ट, ही इज आफ्टर ऑल ए प्रोफेसर. ही स्पीक्स एन एक्सपर्ट बट रियली ही नोज नथिंग. दो प्रीपोजिशन है एज और लाइक, इन दोनों में से यूज करना है आपको, आइदर एज और लाइक. देखो एक्चुअली क्या है, एक तो आप जैसे हैं वैसे बिहेव कर रहे हैं और एक आप हैं नहीं लेकिन आप बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ही वर्क्स एज अ स्लेव, ही वर्क्स एज अ स्लेव.
और वाकई वो स्लेव और स्लेव की तरह ही काम कर रहा है. और एक मैंने कहा ही वर्क्स लाइक अ स्लेव, ही इज नॉट अ स्लेव बट ही वर्क्स लाइक अ स्लेव. वो स्लेव है नहीं, गुलाम है नहीं, लेकिन गुलाम की तरह काम कर रहा है. हैव यू गॉट द पॉइंट? तो ये दोनों का मीनिंग समझना है. जैसे ही बिहेव्स ठीक है लाइक अ फादर, लाइक अ फादर ही इज नॉट माई फादर बट ही ट्रीट्स मी एज इफ ही वर माई फादर. ठीक है, तो वेन यू वॉन्ट टू से दैट ही ट्रीट्स मी एज इफ ही वर माई फादर, उस कंडीशन में आप लाइक यूज करते हैं. और रियल में वो मेरे फादर है और मेरे फादर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप एज यूज करते हैं. ठीक है, तो देखिए दोनों सेंटेंसेस. ही स्पीक्स एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट की तरह बोलते हैं. ही इज आफ्टर ऑल अ प्रोफेसर, आखिरकार वो प्रोफेसर है, एक्सपर्ट ही है और एक्सपर्ट की तरह बोल रहे हैं. और इस सेंटेंस में ही स्पीक्स एन एक्सपर्ट बट रियली ही नोज नथिंग, बातें तो वो एक्सपर्ट की तरह करता है लेकिन वो जानता वानता कुछ नहीं है. हैव यू गॉट द पॉइंट? बात करता है लेकिन वो जानता नहीं है तो लाइक यूज करता है, और वो बात भी करता है और जानता भी है तो फिर एज यूज करें. तो ही स्पीक्स एज एन एक्सपर्ट एंड ही स्पीक्स लाइक एन एक्सपर्ट. छोड़ी प्रसन्न चलिए नेक्स्ट. आई लाइक स्विमिंग द सी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द सी. I like swimming the sea. The children are playing the sea. Option de do, ye lo. At or in. I like swimming the sea. And the children are playing the sea. देखो तुमने उल्टा कर दिया. ठीक है. फर्स्ट वाले में तो इन आएगा और सेकंड वाले में एट आएगा. एक्चुअली क्या होता है, इन द सी का मतलब होता है समुद्र के पानी में, आप पानी में है. और आप जब एट द सी यूज करते हैं, एट द सी, एट द रिवर, ठीक है, एट द कनेल, ये सब हो सकते हैं, जितने एट द पॉन्ड हो सकता है, जितनी भी पानी की जगह है इनके साथ एट यूज करते हैं तो इसके मतलब तट पर. ठीक है, तट के लिए क्या यूज करते हैं, एट. और पानी में है तो फिर आप इन यूज करते हैं. तो आई लाइक स्विमिंग इन द सी, सी वाटर. ठीक है, और द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट द सी, पानी के समुद्र के तट के पास में. गॉट इट? चलो नेक्स्ट देखिए आप. प्लीज ट्रांसलेट दिस आर्टिकल इन हिंदी. Please translate this article in Hindi. Please translate this article in Hindi. Please इस article को हिंदी में translate कर दीजिए, अनुवाद कर दीजिए. तो what do you think about this sentence? Is it correct? नहीं, उसे तो कोई problem नहीं. This article में तो कोई problem नहीं है. इस article को, इस chair को उधर रख दो. तो तुम क्या कहोगे इस chair को? दिस चेयर ही कहोगे ना, क्या लगता है? देखिए अब ये ध्यान रखना कि ट्रांसलेट के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है, इनटू होता है. प्लीज ट्रांसलेट दिस आर्टिकल इनटू हिंदी. ट्रांसलेट इन नहीं होता, ट्रांसलेट इनटू होता है. हाउ मच मनी Do you spend clothes? How much money do you spend clothes? आप कपड़ों पर कितने पैसे खर्च करते हैं? Spend के साथ जो preposition आता है वो आता है on. How much money do you spend on clothes? ठीक है. I like listening
द रेडियो, मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है. आई लाइक लिसनिंग द रेडियो. ठीक है, लिसन के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है. गॉट इट? अब आज अपन यही ड्रॉप करते हैं, बाकी विषय टेक टू टुमारो. मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है कल 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हम कुल इसके एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक टेकअप करेंगे, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट.